हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा का किचन। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। इसके लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, नींबू, दही, लाल मिर्च पाउडर और फूड कलर को चिकन में अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे एयर फ्रायर का यूज किया है। आप चिकन को पैन में भी कुक कर सकते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन को एयर फ्रायर में 200 डिग्री पे 10-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब चिकन को कुक होने देते हैं और हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। ऑयल गरम हो जाने पे उसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने पे उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी ऐड करके भून लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके भुने, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाए उसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए एयर फ्रायर के चिकन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे मसाले में ऐड करेंगे और गरम मसाला भी मिलाएंगे। इन सबको अच्छे से भून लें। अब दही ऐड करके अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। टेस्ट के हिसाब से और नमक ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और टाइम टाइम पर इसे चलाते रहें। और ये हो गया हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।